देखिए साइनिंग बोर्ड बनाया जा रहा है नेम प्लेट का, रामघाट हाट, और इसको कहाँ लगाया जाएगा? यहाँ से मुख्य मार्ग है, गेट आगे लगा हुआ है ग्रीन कलर का बड़ा सा, यहाँ से इंटर। सन 2011 में आया था। हाँ हाँ। तो उस वक्त यहाँ पे ये हालत है, नाइट जब गाड़ी बनाता था उसके पास कुछ साधन नहीं थे। अभी मैं चल रहा हूँ रामघाट हाट स्टेशन के सीढ़ियों पे, और सीढ़ियाँ बड़ी जबरदस्त बनाई गई है, अभी नई नई निर्माण हुई है इनका, नया नया निर्माण हुआ है इनका, और लगभग 50 सीढ़ियाँ बनाई गई हुई हैं। इनको चढ़ने के बाद आप जैसे ही ऊपर आएंगे तो ये आपको रामघाट हाल्ट स्टेशन देखने को मिलेगा। त्रिभुवन विदित अवध जे के नौवा, और बड़ा नीक लागे राघव जी का गौवा। जी हाँ दोस्तों, हमारे राघव जी के गांव को बड़े ही भव्य तरीके से सजाया जा रहा है, क्योंकि 22 जनवरी 2024 को हमारे प्रभु श्री राम अयोध्या में आने वाले हैं, लगभग 500 वर्ष वनवास काट करके। त्रेता युग में तो 14 वर्ष का ही वनवास काटे थे प्रभु श्री राम, लेकिन इस कलयुग में लगभग उन्होंने 500 वर्ष जो है वनवास काटा। उसके पश्चात जो है प्रभु श्री राम के मंदिर का ओपनिंग डेट 22 जनवरी को निर्धारित किया गया है। उसके उपलक्ष में एक नया रेलवे स्टेशन बनाया गया है जिसका नाम है रामघाट हाल्ट, और इस रामघाट हाल्ट का आज मैं आपको भव्य दर्शन कराने वाला हूं, और ये बहुत ही ऊंचाइयों पर बना हुआ है, यहां से संपूर्ण अयोध्या का दर्शन भी आपको हो जाएगा। तो बने रहिएगा कंटिन्यू इस ब्लॉग में। और उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, जो गोंडा बहराइच वगैरह से आते हैं उनके लिए बहुत बड़ी सौगात है, उनके लिए यहां पर ही ट्रेन रुक जाएगी, वो यहां से उतर के ही जो है अयोध्या का दर्शन कर पाएंगे। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये आपको धर्मपथ मार्ग देखने को मिलता है, यहाँ से ही आगे चल करके इसका गेट बनाया गया है, वहाँ से आप आगे आ सकते हैं, या यहाँ से अगर आपको ट्रेन पकड़ना है यहाँ से भी आप ट्रेन पकड़ सकते हैं, और कोई बस्ती बहराइच से आ रहा है तो यहाँ से उतर के जा करके प्रभु श्री राम का दर्शन भी कर सकता है। तो आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साफ साफ बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है रामघाट हाल्ट, ये धर्मपथ मार्ग है, और कितनी ऊंचाइयों पर ये बना हुआ है। नीचे आप देखिए संपूर्ण अयोध्या आपको देखने को मिल रहा है, हनुमानगढ़ी और तमाम प्रकार के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं वो आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। चलिए आगे चलते हैं, आगे आपको इस स्टेशन का व्यू दिखाते हैं कि कितने भव्य तरीके से इसको बनाया। इसमें एक बहुत बड़ी जानकारी मैं ये आपको देता हूँ, ये सिंगल ट्रैक है, यहाँ पर एक ही प्लेटफॉर्म है, और पहले यहाँ पर बंजर हुआ करता था, बहुत ही अच्छा कंडीशन नहीं था इस रेलवे स्टेशन का, लेकिन जैसे जैसे हमारे राम मंदिर का निर्माण का डेट आगे आ रहा है वैसे वैसे उसके आसपास के तमाम संसाधन के जो हब हैं उनको धीरे धीरे रीडेवलपमेंट किया जा रहा है, जिसके तहत हमारा ये रामघाट हाल्ट आता है। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर किस तरीके से मार्बल वगैरह रख रहे थे, बेसिकली वर्क चल रहा था, अभी तो ये इस पर फाइनल वर्क चल रहा है। और ये स्टेशन लगभग आपको देखने को मिलेगा कि 400 मीटर लंबाई और लगभग 30 मीटर चौड़ाई में बनाया गया है, और जो भी बहराइच बस्ती गोंडा से आ रहे हैं वो इसी प्लेटफॉर्म से होते हुए आते हैं, और उनके लिए बहुत बड़ी सौगात है कि अब ये ट्रेनें जो है यहाँ पर रुकेंगी, रुकने के बाद यहाँ से वो उतर सकते हैं, उतर के धर्मपथ मार्ग पकड़ सकते हैं, धर्मपथ मार्ग पकड़ने के बाद जा करके सीधा आप लता मंगेशकर चौक या राम की पैड़ी जा सकते हैं, और वहाँ पर जो भी आपका प्रोग्राम है उसके अनुसार आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए वायरिंग का कार्य किया जा रहा है, साथ साथ लाइटें भी लगाई जा रही हैं, जो कि जल्द ही लगभग एक दो दिन में इन पर कंप्लीट कर दिया जाएगा, और टाइमिंग वॉच भी लगा दिया गया, और तमाम प्रकार के जो इंडिकेशन बोर्ड होते हैं उनको भी लगा दिया गया है। तो बड़े ही तीव्र गति से कार्य चल रहे हैं, और ऐसे ही चैनल से आप लोग जुड़े रहिएगा ताकि हम आप लोग को अपडेट देते रहें। जय श्री राम भैया। जय श्री राम। आपका शुभ नाम क्या हुआ सर? लक्ष्मी नारायण। तो आप कहाँ से आए हुए हैं? हम धार जिला से आए, उज्जैन जिला के पास में धार जिला है, वहाँ से आए। तो आपने सर्वप्रथम रामलला का दर्शन किया कि नहीं? नहीं।
कर लिए, बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया। हनुमानगढ़ी हनुमान मंदिर के भी दर्शन किए, हनुमान जी तो हमारे हनुमान जी जो है अयोध्या के द्वारपाल हैं, तो सर्वप्रथम उनका दर्शन करना चाहिए, तब जो है हमारे हनुमान जी का ही दर्शन करा, फिर राम जी का दर्शन। तो आप चार धाम की यात्रा पे निकले हुए, तो चार धाम की यात्रा आपका कम्प्लीट हो गया, आप जा रहे हैं, तो अयोध्या में आपको क्या मतलब डिफरेंट दिखने को, क्या मतलब विकास देखने को? मैं 2011 में आया था, तो उस वक्त यहाँ पे ये हालत है, नाइट जब दाढ़ी बनाता था उसके पास कुछ साधन नहीं थे, और आज बहुत 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 इतना फर्क हो गया कि हम सोच भी नहीं सकते कि अयोध्या के और कुछ हमारा गाँव दिखता था। जब मैं राम लला के दर्शन, वो जब बरसाती डली हुई थी काली पट्टी उनके ऊपर, और जंगले तो वही है उसी के अंदर, तो ऐसा लगा यार ये तो गांव ही है यार, हमारा गांव से भी हल्का लग गया। लेकिन आज कैसा लगा? अच्छा, इस तो सौंदर्यीकरण, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? क्या इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? मोदी जी को, हाँ मोदी जी को, पहले मोदी और फिर योगी, उसके साथ साथ हम जैसे राम भक्त। तो यहाँ से आपको अंदर से कैसा महसूस हो रहा है अयोध्या में? ऐसा लग रहा है कि वास्तविक अब अयोध्या है, वो राम और वशिष्ठ और वशिष्ठ की भूमि और राम की भूमि यही है, पहले तो नहीं लग रहा था। तो 2011 में तो ऐसा कुछ नहीं था। इस स्टेशन पे आप आए हैं, इस ये स्टेशन आपको कैसा लग रहा है? चलिए एक बार जयकारा लगा दीजिए श्री राम। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे अयोध्या के धर्मनगरी में। जय श्री राम। और आप ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे, मतलब पब्लिक से क्या कहना चाहेंगे? जो वीडियो देख रहे हैं, जितनी संख्या में यहाँ पे पर्यटक आएंगे उतना इसका और यहाँ के लोगों का आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी ना, हाँ सुधरेगी। चलिए जय जय श्री राम। आगे चलिए, जो भी अपडेट होता है इस रेलवे स्टेशन का वो हम आपको इस वीडियो के जरिए दिखाते हैं। और जैसा कि यहाँ पर फाइनल वर्क चल रहा है वायरिंग का, लाइटिंग का, और तमाम प्रकार के जो वॉच लगाए जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉच, उनका भी चल रहा है। प्लस के जो कलर हो रहे हैं वो भी दिखाएंगे आगे चल करके। प्लस जो प्लांटेशन किए गए हैं नीचे वो भी आपको दिखाना चाहेंगे, और इसका जो मुख्य मार्ग है उसको भी कवर करके आपको दिखाना चाहेंगे। तो कंटिन्यू इस ब्लॉग में बने रहें, साथ में आप ये मत बताना भूलिए कि आप लोग ये ब्लॉग कहाँ से देख रहे हैं। और इसके बगल देखिए एक बस्ती हुई है, कितना नीचे इसका जो हाइट है वो देखिए कितना माइनस में है, मतलब कितना नीचे आपको देखने को मिला, लगभग 25 से 30 फीट 40 फीट नीचे आपको देखने को मिलेगा। और इस साइड आपको देखने को मिलेगा शमशान घाट बना हुआ है, और जैसे ही आगे जाएंगे आपको सरयू नदी भी देखने को मिल जाएगी। तो सरयू नदी के ऊपर एक पुल बनाया गया, उधर से ही होते हुए मनकापुर बहराइच इत्यादि जगहों से गाड़ियाँ आती हैं, और अब यहाँ पर रुकेंगी, तो ये जो है भक्तों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। आगे चलिए आपको दिखाते हैं जो वर्क चल रहे हैं एडवर्टाइजमेंट के, वो देखिए आपको यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ पर बोर्ड लगाए जा रहे हैं, ये देखिए इसको कौन सा बोर्ड बोलते हैं, साइनिंग बोर्ड ना है भाई, साइनिंग बोर्ड है ना, साइनिंग बोर्ड नेम वाला है। देखिए साइनिंग बोर्ड बनाया जा रहा है नेम प्लेट का, राम घाट हाल्ट, इसको कहाँ लगाया जाएगा, और इसको यहाँ पर लगाया जाएगा, और रात में जो है इस पर लाइटें जब जलेंगी तो देखने में बहुत ही ज़्यादा अद्भुत लगेगा। और पीछे ही आपको देखने को मिला भव्य अयोध्या नगरी। आगे चलिए, आगे जो भी अपडेट होता है वो हम आपको दिखाते हैं। और यहाँ पर जल से संबंधित सारे यहाँ पर देखिए टोटी वगैरह लगा दिए गए हैं, है ना, सारी सुविधाएँ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और यहाँ से एक मार्ग और बनाया गया, ये देखिए आपको देखने को मिलेगा, यहाँ से राम घाट हाट नीचे आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ से मुख्य मार्ग है, गेट आगे लगा हुआ है ग्रीन कलर का बड़ा सा, यहाँ से इंटर करेंगे। उसके नीचे जो प्लांटेशन किया गया है भाई, ज़बरदस्त किया गया है, बहुत ही सुंदर तरीके से। और नीचे यात्रियों को बैठने के लिए वेटिंग हॉल वगैरह जो भी होगा वो नीचे इत्यादि सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं। और जैसा भी अपडेट रहेगा आप चैनल से जुड़े रहिएगा, हम आपको देते रहेंगे। ग्रीनरी आपको देखने को मिलेगी, ज़बरदस्त तरीके से की गई है। आगे चलिए, आगे जो भी अपडेट होता है वो भी मैं आपको इस ब्लॉग के जरिए देता हूँ। जय श्री राम दादा जी। जय श्री राम। कहाँ से आना हुआ आपका? हम मनकापुर से आए, साथ में। तो इस स्टेशन पर आप मनकापुर का जो है वेट कर रहे हैं ट्रेन का? हाँ। कितने बजे की ट्रेन है?
अब ट्रेन पे तो समय ऐसे 2 बजे है, लेकिन अब पता नहीं कब आओ, कुछ पता नहीं। अच्छा, हो सकता है क्रॉसिंग की वजह से लेट हो गया हो। हाँ। तो इससे पहले भी आप यहाँ से ट्रेन पकड़ते थे? हाँ। तो यहाँ पर उतना विकास नहीं हुआ था ना? नहीं, ये तो अब बना होना है पहले। तो कैसा लग रहा है अब? अब तो अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतना जानकारी देने के लिए। तो दोस्तों, ठेकेदार भी मिल गए हैं। तो ठेकेदार साहब जी, जय श्री राम। जय श्री राम। तो क्या हाल हुआ आपका? बढ़िया है सब? बढ़िया है। यहाँ आप किस विभाग में कार्य कर रहे हैं? ये घास वास पौधा होगा अलग, मतलब प्लांटेशन के लिए। तो सारा काम कम्प्लीट हो गया है अभी? कहाँ, वो हो रहा। लगभग कितने दिन में हो जाएगा? अरे हो जाए 10-12 दिन में। 10-12 दिन में। यहाँ पर आप जैसे कार्य कर रहे हैं, तो आपको हृदय से कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर लोग आना चाहते हैं, मतलब दर्शन करना चाहते हैं। आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आप यहाँ काम कर रहे हैं। प्रभु श्री राम के मंदिर के साथ साथ उनका जो ये गांव है एक प्रकाश के, उसका जो है विकास कर रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? हमका तो अच्छा लग रहा है भैया। अच्छा, तो क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम तेज कुमार। तेज कुमार, कहाँ से आए हैं आप? लखनऊ से। चलिए, आपको इस ब्लॉग में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि हमने बात किया, प्लांटेशन का जो वर्क कर रहे हैं ठेका है जिनका, उन्होंने बताया कि कुछ ही दिन में, लगभग 10 से 12 दिन में प्लांटेशन के वर्क को भी कंप्लीट कर लिया जाएगा और लगभग फाइनल वर्क भी हो जाएगा और सब कुछ सुचारू रूप से संचालित होने लगेंगे। तो आप लोग ऐसे ही अपडेट लेने के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा। और आप लोग ये ब्लॉग कहाँ से देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और नीचे चलिए, नीचे दिखाते हैं जो डेवलपमेंट के कार्य चल रहे हैं, अतिथियों के लिए वेटिंग रूम वगैरह हाल जो बनाया जा रहा है, वो इस साइड बनाया जा रहा है, ये देखिए। और जो ग्रीनरी की गई है भाई, ये देखिए, इसका लुक अलग ही तरीके से आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही सुंदर तरीके से। ये देखिए, ये रोड जो है शमशान घाट को जाता है। और यहाँ पर जो बैठने के लिए हाल बनाया गया, मतलब टीन शेड लगाए गए हैं, वो देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है, ये देखिए। आगे चलिए, लगभग इसके एंडिंग पॉइंट में आ गया हूँ। लगभग 300 मीटर लंबा, मिनिमम 300 मीटर लंबा है, लगभग इसके एंडिंग पॉइंट में आ गया हूँ। और यहाँ तक जो भी अपडेट था, वो इस ब्लॉग के ज़रिए मैंने आपको दिया। आगे चलिए, आगे देखते हैं, कुछ भी शेष हो वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, रामघाट हाल्ट का बोर्ड यहाँ पर भी लगाया गया है और बहुत ही ज़ोर जबर, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर वर्क चल रहा है। ये देखिए, लाइटिंग वगैरह भी कर दी गई है और यहाँ पर जो बिजली के जो गाड़ियाँ होती है वो भी चलती हैं। ये देखिए, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि राम मंदिर बनने के साथ साथ जो यहाँ के संसाधन के जो हब हैं ना, जैसे प्लेटफॉर्म वगैरह हुआ, रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म हुए और बस स्टैंड हुआ, साथ साथ एयरपोर्ट हुआ, चाहे बड़ा से बड़ा रेलवे स्टेशन हो या छोटा हो, सब चीज़ को रीडेवलपमेंट कर दिया जा रहा है, अच्छे तरीके से सजा दिया जा रहा है, ताकि जहाँ से भी राम भक्त आ रहे हैं, उनको किसी भी प्रकार की समस्या, गंदगी से रिलेटेड किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। और बहुत ख़ास ध्यान दिया जा रहा है, 22 जनवरी 2024 को हमारे राम मंदिर के उद्घाटन होने से पहले लगभग बहुत चीज़ आपको बदलाव देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे और आपसे एक ही गुजारिश करना चाहेंगे कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और साथ ही आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, प्लीज़ 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 कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे ऐसे ही बेहतरीन ब्लॉग में, तब तक के लिए आपको सादर भरा जय श्री राम, टेक केयर।